आप काटो, आप गाड़ी काटो, हाँ फूल काटो, फूल काटो, ठीक है, किसी तरह आने दे, आने दे। और जाने दे, जाने जा रहा हूँ। सेकंड करो, एक्सलेटर भी दो ना गाड़ी को। मैं तो आपकी फ्रेम नहीं आ रहा। हाँ, मैंने ज़ूम किया हुआ है। ठीक है, गुड, निकल गई है, सीधी हो गई है। सेकंड करो, आरपीएम चाहिए होगा। देखने वालों को सलाम। हम मुजफ्फराबाद से सुबह निकले थे ये एडवेंचर करने के लिए। बीच में हम आपसे डिस्कनेक्ट हुए। वीडियोस फुटेज वगैरह आप देख रहे हैं, पीछे हम कैसे आ रहे हैं, कैसे ट्रैक्स हैं, ये सारे ट्रैक पर आ रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कैसे कैसे एडवेंचर होती है, कैसी गाड़ियाँ फंस रही हैं यहाँ पर। मतलब बहुत ही जिस हो गया रियल में कहते हैं कि आप एडवेंचर कर रहे हैं। गाड़ियाँ किस तरह मतलब आप शुरू कर रहे हैं, किस आ रही है, और क्या प्रॉपर्टी, तो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं इन चीज़ों को। लेकिन खास ये थ्रिलिंग भी है, थोड़ा सा डर भी है। तो
कहते हैं कि इसी का नाम एडवेंचर है कि अगर आपको डर भी ना हो, अगर आप समुद्री चलें फिर एडवेंचर तो नहीं हुआ। तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा डरता हूँ। तो अभी ये फास साहब कोई वेंच चेंज लगा रहे हैं, गाड़ियों को निकाल रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। तो देखते रहें, इंशाल्लाह बने रहें, जुड़े रहें हमारे से इस पूरे सफ़र में। आपको बहुत ही मैं कहूँ मज़ा आने वाला है इस पूरे सफ़र में, इस पूरे एडवेंचर में। अब हमारा ये जो ट्रैक है मेड में, आई डोंट नो कि ये जगह का क्या नाम है, ये जंगल के मेड में ये जगह है, सारी बड़ी है रास्ता, ये सारी स्लोप बनी हुई है, इसमें से हमने ये गाड़ियों को निकालना है। एक बड़ा मुश्किल टफ ये रास्ता है। इसके बाद हमने पहुँचना है पीर चिनासी। अब पीर चिनासी पहुँचेंगे तो उधर देखते हैं, बीच में कोई भी ट्रैक आता है कोई भी आपको अपडेट भी रखते हैं। पीर चिनासी पहुँचते हैं, देखते हैं क्या होता है तो मेरे लिए भी सरप्राइज, आई डोंट नो कि आगे क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, क्या होने वाला है। बहरहाल ये भी बहुत बड़ी एक्टिविटी है कि हम ये जो ट्रैक कर रहे हैं गाड़ियों को, ये गाड़ियाँ जो रेस्क्यू हो रही हैं, एक टीम वर्क हो रहा है, ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है। मतलब मैं अपने लिए ज़्यादा तौर पर समझता हूँ तो एक बेहतरीन है और बड़ी थ्रिलिंग है। और डर मैं कहता 2 पॉइंट, ये तो मतलब वीडियो में तो नज़र नहीं आता कि आपको डर लग रहा है कोई भी, लेकिन जब आप रियल में खुद आप फिज़िकली विजिट करते हैं या फिज़िकली आप खुद हों या हम मतलब खुद हैं, तो जान निकल जाती है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी खाई, किसी रोड से गुजरते हैं तो बड़ा डेंजरस है बीच में। ठीक है, बने रहें, जुड़े रहें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ओ मड़ी कुर्सी कुछ है, कोई मसला नहीं, फेंडर है। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। जाओ जाओ जाओ।
ज्यादा राइट नहीं करनी, ज्यादा राइट पास जाने दे, जाने दे, ज्यादा राइट नहीं करनी। हम लेस नहीं खाते, इसराइली प्रोडक्ट है जी। सारा कुछ आप कुछ हमें सजा कर देना ना, उसके बाद ये अभी जो जगह है यहाँ पर, ये मशकी गली इसका नाम है। मुजफ्फराबाद से यहाँ तक तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि बीच में रेस्क्यू वगैरह भी हुआ, जो आपने देखे गाड़ी स्केटिंग वगैरह कर रही थी, तो उस वजह से थोड़ा सा हमें स्लाइडली टाइम लगा। तो लेकिन एडवेंचर वाकई ही में ये एडवेंचर था, और लिटरली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बड़ा डर लगा। मुजफ्फराबाद से यहाँ तक हमें 4 घंटे लगे एग्जैक्टली, मुझे ये नहीं पता कि कितने किलोमीटर्स है ये, तो राउंड अबाउट अगर मैं वैसे एस्टिमेट लगाऊँ तो ये तकरीबन 40 किलोमीटर इसका सफ़र है। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी सारे मेहमान बाहर से भी आए हैं, लाहौर से आए हैं, कोई इस्लामाबाद से आए हैं, तो कोई बच्चे भी साथ हमें लाए, तो बड़ा इंजॉय किया, थ्रिलिंग था, और बड़ा मतलब कि डर भी लग रहा था काफ़ी। और इसमें जो इस एडवेंचर में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है ख़ासकर, कि इसमें टीम वर्क है आपका, तो बहुत ही मज़ा आया कि यार टीम वर्क है, कि एक दूसरे की गाड़ी इतनी स्केट होती है, फंस जाती है, किस तरह निकालना है, किस तरह रेस्क्यू करना है। तो इन एरियाज़ में वाकई ही में ये चीज़ आप जहन में रखें कि जब भी आप आएँ अकेले में, आपको इधर तो आनी नहीं पड़ता इन रोड्स के ऊपर, जब तक आपके पास वेंच ना हो, प्रॉपर आपके पास चीज़ें ना हो, आपका सबसे ईजीएस्ट होता है कि आपके पास, जब आपके पास ये सारी रेस्क्यू वगैरह ये चीज़ें वेंच वगैरह होते हैं, बाकी चीज़ें मुझे इतने इंस्ट्रूमेंट पता नहीं है कि जो ऑफ रोड करते हैं क्या क्या चीज़ें उनके रिक्वायर्ड होती हैं, मटर हैं जिस तरह आपके पास टायर्स वगैरह होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये, मतलब मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह का एडवेंचर, कि इतना मतलब खाइयों से गुजर के आते हैं, मड से गुजर के आते हैं, जंगल से, बीच में रास्ते भी इतने सैनिक थे, बेहतरीन थे, तो बंदा दिल करता है कि हर जगह बैठ के तस्वीरें बनाई जाएं और हर जगह रुका जाए। और टेम्परेचर भी इस वक्त अगर मैं बात करूं तो 27-28 है मैक्सिमम। और जो जो हमें अभी ट्रैक रहता है मेरे ख्याल से टॉप पीरचनासी के ऊपर जब हम जाएंगे, ये पूरी जीप रैली जो जाएगी तकरीबन मेरे ख्याल से 3 घंटे और लगेंगे। अभी कह रहे हैं कि आप आगे इतना थ्रिलिंग नहीं है, आगे रोड कम से कम ठीक है, ऑफ रोड ही है लेकिन इतना वो डेंजरस नहीं है। तो अभी यहाँ पर हमारे सदर साहब ने ये सारे इसको लीड किया, नज़ीर साहब ने इसको जीप क्लब को, और यहाँ पर खाना वगैरह बाकी चीज़ें ये सारी हमने साथ रखी थी, बारबेक्यू किया, हमारे साथ बने रहे हैं, जुड़े रहे हैं इस पूरे सफ़र में। जो जो आगे एक्टिविटीज़ वगैरह आएंगी उसमें हम आपको लूप में रखेंगे, तो बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह। मशकी गली से हमें एक और ये रास्ता मुश्किल डेंजरस बना है, डेंजरस ये ट्रैक है, ये अब हमें सर करना है। ये मेरे ख्याल से सारे कह रहे हैं कि आखिरी ट्रैक ऐसा है जो सर करना बड़ा मुश्किल है।
तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये गाड़ी भी आसानी के साथ ऊपर आ जाएगी। अभी तो ठीक जा रही है माशाल्लाह। अभी छोटी जीप आ रही है उस्मान साहब की, तो देखते हैं उस्मान साहब, माशाल्लाह उस्मान साहब बड़े तजर्बेकार हैं। मुश्किल है पर उस्मान साहब मुकाबला ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। ज़बरदस्त साहब गलत जगह से घुसे, बस ठीक हो गया ना, आपके पास आर्किम था ना। अब आ गई ये जीप, देखते हैं कि जीप एक ही टर्न में आ जाएगी, उम्मीद तो यही है जिसमें बाकी लोग आए। अभी क्योंकि पानी थोड़ा सा धूप की वजह से इस ट्रैक पर थोड़ा सा खुशबू भी हुआ है, तो मेरे ख्याल से आसानी इतनी तो नहीं है, लेकिन इसमें दिमाग चाहिए होता है कि आपको बड़ी वाइज ड्राइविंग यहाँ पर करनी होती है रोड्स के ऊपर, बड़ी टेक्निकल ड्राइव होती है कि आपने कहाँ पर टायर लेके जाना है और कहाँ पर गाड़ी स्लिप नहीं करेगी। तो साथ साथ बाबर साहब भी बाहर सिग्नल माशाल्लाह दे रहे हैं कि कहाँ से गुजरना है। ये ईशान साहब ड्राइव कर रहे हैं, तो ईशान साहब ने फंसा दिए एक दफ़ा फिर से। अच्छा भाई लाइसेंस कैंसिल करें और बच्चे को वापस भेजें यहीं से। अब कोई उम्मीद है कि ईशान साहब ने ठीक से ट्रैक लिया है। लो जी फिर से उतर गए ईशान साहब, जबरदस्त। और ठीक है ना, अरुण के साथ से दें दे उस। ये आगे क्यानी साहब भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव में रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन ईशान साहब को फिर भी समझ नहीं आती क्या किया जाए। खड़ा नहीं छोड़ना। माशाल्लाह जी, तबाकुम तबाकुम तबाकुम, ये बहुत गलत है। अब आई है गाड़ी जी साकब साहब की, आराम से। देखते हैं क्या है। यहाँ पर गाड़ी होगी है बंद सदर साहब की, आगे पीछे धक्का देने से नहीं होती। आप इसको विंच लगा के इसको थोड़ा आगे पीछे करके स्टार्ट किया जाएगा, इसके बाद फिर रवान दवा होते हैं। अब निकल आई है जी सदर साहब की गाड़ी, स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह। माशाल्लाह फॉर्च्यूनर हर जगह विनिंग में रही है इस सफर में, बेहतरीन। अच्छा जी, यह आगे एक और स्टेज जो सर करना है वो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, और काफ़ी देर से सदर साहब नज़ीर साहब इस कश्मकश में लगी यहाँ से गाड़ी सर करें, देखें कि पत्थर शत्थर भी डाल रहे हैं ट्रैक मज़ीद बेहतर हो। आपने ना उमर भाई,
गुड निकल गए ये पर लेफ्ट लेफ्ट रख के जाने दो सही है अपनी साइड रख जान दो जान दो जान दो बिल्कुल सही है और मंड के नो नीचे उतर के पीछे ले जाएं हाँ ऊपर जगह है ऊपर रखें हाँ ठीक है आप काट लें फुल जबरदस्त ठीक है सीधी करें अब ना काटे सीधी आने दे ये देखें जी ये गाड़ी का साजिद भाई का टायर पंचर हो गया तो मैं इनको बता रहा था कि मेरी गाड़ी की विप रिकवरी गैजेट्स मेरी गाड़ी में पूरी हैं ये जो आप पाने देख रहे हैं ये मैंने अपनी गाड़ी से निकाल के जो है ना ये खोले हैं अच्छा तो इससे ये है कि रिकवरी का प्रोसेस माशाल्लाह बहुत अच्छा भी हो गया आसान भी हो गया
और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइम हम टॉप पे पहुंच चुके हैं, जो टफ जगह थी वो गुजर आई है, अब कोई इतनी परेशानी नहीं है। अगले 10-15 तो हमें परेशानी है क्या, हम तो इधर ऑफ रोडिंग ही करने हैं, यही बात है। तो परेशानी की बात क्या है, कोई बात हम परेशानी लेने आए हैं, हम आई परेशानी लेने के लिए। ये बताएं आपकी गाड़ी कौन चला रहा था जी? मैं दरअसल कैनी साहब साथ आए हुए थे, तो चूंकि आज वो अपनी गाड़ी लाए नहीं है, तो चूंकि जो ऑफ रोडर होता है वो जो जीपर होता है, अगर ऑफ रोड ट्रैक में वो गाड़ी ना चलाए तो मैं देख रहा था उनका मुंह ठीक नहीं है, तो उनको थोड़ी देर एंटरटेन किया। मैंने कहा कोई बात नहीं कहने साहब, ये गाड़ी भी आप क्लब की गाड़ी, आप क्लब के मेंबर हैं, आप इसको चलाएं, कोई मसला नहीं है। मैं साजिद भाई का कहने का मेरे ख्याल से और मतलब था कि शायद डर की वजह से आपने स्टीयरिंग छोड़ दिया। डर शर वाली बात है, बंदा तो डरता ही तो है ही थोड़ा बहुत। ये मेरे बारे में भी निशान भाई तो रेस्क्यू, ये देखे ना हर चीज देखना, गाड़ी भी अच्छी चलाई, चीजें सेट कर रहे हैं, दूसरा तो रोड ठीक कर रहे हैं, बाकी चीजें तो ये तो वॉलंटियर लेके तो माशाल्लाह बेहतरीन। ये देखिए हमारे क्यानी साहब माशाल्लाह, क्यानी साहब लॉक की था चलो, ये होती है एफर्ट, वापसी इसी साइड से करेंगे। ठीक है, याद आ गए कौन गाड़ी देखिएगा आप यार, साढ़े छः हो गए हैं यहाँ पर, हम दरबार पर जस्ट अभी पहुँचे हैं। तो सारा हमारा जो कानवाय है जीप क्लब का, ये जो पीर चिनासी है टॉप, यहाँ पर हम हिल स्टेशन पर पहुँचे हैं। तो बस यहाँ से हम इख्तिताम करते हैं अपने इस ट्रैवल का, क्योंकि अब रात हो चुकी है तो अंधेरा छा गया है, तो अभी यहीं पर इस एपिसोड एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नई एपिसोड में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।